नमस्कार। पोस्ट ऑफिस कर्मी के बेटे का अपहरण, फिरौती में मांगा 5 लाख रुपए। पोस्ट ऑफिस कंधई इलाके के जोगीपुर गांव निवासी डाक कर्मी के बेटे को अगवा करने के बाद बदमाशों ने फोन पर 5 लाख रुपए फिरौती मांगी। शनिवार सुबह की घटना होने के बाद भी पुलिस ने अभी तक मुकदमा दर्ज नहीं किया है। पीड़ित पिता का आरोप है कि शिकायत करने के बाद पूछताछ के दौरान पुलिस ने उसे ही थप्पड़ जड़ दिया। उसने सीएम हेल्पलाइन पर घटना की शिकायत दर्ज कराई है। संदई थाना क्षेत्र के जोगीपुर निवासी राम किशोर पट्टी पोस्ट ऑफिस में बाबू है। उनका बेटा विनोद कुमार सूरज 35 साल प्रयागराज में बिजली विभाग में ठेके पर काम करता है। शनिवार सुबह लगभग 8:30 बजे वह बाइक से प्रयागराज के लिए निकला था। रास्ते में पट्टी के गुलालपुर के पास 2 बाइक से पहुंचे 4 लोगों ने उसे रोक लिया। उसे जबरन दूसरी बाइक पर बिठाकर अगवा कर ले गए। रामकिशोर ने बताया कि शाम को उनके मोबाइल पर अज्ञात नंबर से फोन कर बेटे को अगवा करने की जानकारी देते हुए 5 लाख रुपए की फिरौती की मांग की गई। फोन करने वाले ने कहा है कि बेटे की सलामती चाहते हो तो बगैर किसी को सूचना दिए 5 लाख रुपए दे दो, रुपए नहीं देने पर बेटे को मार दिया जाएगा। मामले की जानकारी होने के बाद घर वालों में हड़कंप मच गया। रामकिशोर ने कंधई थाने में पहुंचकर घटना की जानकारी देते हुए लिखित शिकायत दर्ज की है। उनका आरोप है कि पुलिस मुकदमा दर्ज कर उनके बेटे की खोजबीन करने की बजाय उसे ही फटकार कर भगाने लगी। थाने के बाहर नहीं निकलने पर उसकी पिटाई की गई है। बाद में प्रभारी निरीक्षण कंधई तुषार त्यागी उसे लेकर घटना स्थल पर पहुंचे। आसपास के लोगों से पूछताछ करने के बाद कोई जानकारी न मिलने पर उसे थप्पड़ जड़ दिया। रामकिशोर ने उसकी शिकायत सीओ पट्टी के साथ सीएम हेल्पलाइन पर की है। कंधई थाना अध्यक्ष तुषार त्यागी ने बताया कि रामकिशोर से कई बार केस दर्ज कराने के लिए कहा गया, लेकिन वह तैयार नहीं हो रहा है। मारपीट का आरोप पूरी तरह बेबुनियाद है। उसके साथ किसी ने भी मारपीट नहीं की है। धन्यवाद। समाचार के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दे। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। और अधिक ताजा तरीन खबरों के लिए जुड़े रहे प्रखर गुंज न्यूज डेस्क के साथ।